ये पानी का स्पीड आप देख सकते हैं, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो चुकी है और छोटे बच्चे इसके अंदर दम नहीं मार सकते। ये सारा गंदा पानी है, इसके अंदर आप देख सकते हैं हल्का सा येलो टोन है जो डेनिस का पानी है। ये आपको मैं बता रहा हूँ इसकी स्पीड। मैं आया हूँ इमान बाग के इकट्ठे के पास, जो बैक साइड में इसका पानी और फूल के निकलता है। ये आप देख सकते हैं भक्कुल का तालाब जब भरता है उसके बाद ये पानी इधर से पास होके इसको कट्टा बोलते हैं, इमान बाग के बैक साइड में है। और ये जो पानी है अभी फिलहाल ये सारा चंबर का पानी इसमें मिला हुआ है और ये गंदा पानी है। जो अपने लोग आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए, ये लोग इसको मुँह में डालते हैं, खुली करते हैं, आँख पे लेते हैं पानी, इससे नहाते हैं। तो अभी फ़िलहाल ये पानी आपके नहाने के काम का नहीं है और बहुत गंदा पानी है। जो चंबरों का जो पाइपलाइन है वो उसमें सारा फूटा हुआ है और उधर से ओवरफ्लो होकर पानी इधर आता है। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा रिक्वेस्ट है मेरी कि इस पानी से कोई नहाना नहीं और इसको मुंह में मत डालो, क्योंकि ये पानी गंदा है और सारा डेनिस का पानी इसमें मिक्स है। और छोटे बच्चों को यहाँ पर मत लेकर आए, क्योंकि इसका स्पीड अभी बढ़ जाएगा पानी का, क्योंकि अभी इसकी स्पीड स्लो है। कल ही इसका ओवरफ्लो हुआ हसूल तालाब का। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, यहाँ पर आते भी है आप तो थोड़ा दूर से इसका मज़ा ले आप, और बच्चों को भी यहाँ पर इसके पास ना आने दें।